ओडिशा में पहली बार बन रही है बीजेपी सरकार। मोहन यादव के बाद दूसरे मोहन यानी मोहन चरण मांझी को ओडिशा की कमान सौंपी गई है। विष्णुदेव साय के बाद मोहन चरण मांझी दूसरे आदिवासी नेता जिन्हें बीजेपी ने मौजूदा समय में किसी राज्य की कमान सौंपी है। जब ओडिशा के नतीजे आए तो यूपी की तरह ही हर कोई चौंक गया। 24 साल तक राज्य की कमान संभालने वाले नवीन पटनायक की पार्टी को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बुरी तरह मार दी। यहां तक कि बीजू जनता दल का खाता भी नहीं खुला। लेकिन असली कमाल तो विधानसभा चुनाव में हुआ, जहां किसी को बीजेपी की जीत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने 78 सीटें हासिल कर यहां भी बीजू जनता दल को मात दे दी। आखिर जो यूपी में ना हो पाया वो ओडिशा में बीजेपी ने कैसे कर दिखाया? और सवाल ये भी कि एक आदिवासी नेता को कमान देकर बीजेपी देश में संदेश क्या पहुंचाना चाह रही है? क्या मोहन चरण मांझी को सीएम बनाने का झारखंड का कोई कनेक्शन है? क्या मोहन चरण मांझी को सीएम बनाने का महाराष्ट्र चुनाव का कोई कनेक्शन है? इन तमाम सवालों को लेकर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। ओडिशा में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण है और इसमें शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का ये काफिला आप देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ धीमी गति से, और सड़क के दोनों ओर आप देख रहे हैं आम लोग भी मौजूद हैं, बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और इस बीच ये तस्वीरें जहां शपथ ग्रहण होना है वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भव्य मंच सजकर तैयार। और बीच में देख रहे हैं आप कुछ कुर्सियां जो खाली नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी जितने वीवीआईपीस पहुंचेंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो जाहिर सी बात है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वो आपको यही नजर आएंगे, शपथ लेंगे मोहन चरण मांझी, वो आपको यहां पर नजर आएंगे। तो इंतजार बस कुछ देर और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। 3 किलोमीटर रोड शो पूरा कर प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचेंगे और फिर पहली बार ओडिशा में बनने जा रही है बीजेपी सरकार। और तस्वीर देखिए आप, नवीन पटनायक की तस्वीर देख रहे हैं आप, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठे हुए नजर आ रहे हैं और बीच में नवीन बाबू। 2000 से लेकर 2024 तक लगातार 24 साल तक ओडिशा के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे और 24 साल बाद, हालांकि 2009 तक बीजेपी सत्ता में भागीदार रही ओडिशा सरकार में बीजेडी के साथ, लेकिन यह पहला मौका है जब अपने दम पर ओडिशा में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला मौजूद हैं, कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। प्रेम शुक्ला सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, ये इतिहास रचा जा रहा है और इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बनने के लिए मंच पर हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं वहां पर, अश्विनी वैष्णव ओडिशा से जाते हैं, राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र में जबरदस्त या यूं कहें महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनको दी गई है, वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं मंच पर। राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह से लेकर नितिन गडकरी तक बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और ये ऐतिहासिक जीत के बाद, ऐतिहासिक जनादेश के बाद आज ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह जो ओडिशा में सामने है, कुछ ही देर में जो शुरू होने वाला है, ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है प्रेम शुक्ला जी कि ओडिशा में ये इतिहास कैसे रचा, ये कमाल कैसे किया? देखिए, निश्चित तौर पर भगवान जगत प्रभु जगन्नाथ की भूमि पर जो है पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को विजय पताका फहराने में सफलता मिली, और जिस तरह वहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आज शपथ लेने जा रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए गौरव का क्षण है और इस देश के लोकतांत्रिक परंपरा के लिए भी गौरव का क्षण है कि एक जनजातीय समाज का व्यक्ति जो है पहली बार ओडिशा के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होने जा रहा है। और जिस तरह से वहां लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, किस तरह से सौहार्दपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो है प्रक्रिया का अनुपालन हो सकता है, जिस तरह से आदरणीय नवीन पटनायक जी को निमंत्रित करने के लिए स्वयं
मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी गए और जिस तरह से वहां गरिमापूर्ण ढंग से उस मंच को सुशोभित करने के लिए नवीन बाबू मौजूद हैं, ये भारत का लोकतंत्र कितना पुष्ट है, कितना सौहार्दपूर्ण है, उसका साक्षात प्रमाण है। तो निश्चित तौर पर यह एक ऐतिहासिक क्षण भारतीय लोकतंत्र के लिए है, ओडिशा के लिए है, जनजातीय समाज के लिए है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए। बिल्कुल सर, मैं दर्शकों को बता दूं, इस वक्त कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता हामिद हुसैन साहब मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन पहले ये जो ऐतिहासिक क्षण है, इस ऐतिहासिक क्षण में जो आम जन है उनकी जो भागीदारी देखने के लिए मिल रही है, उसी को जानने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी रविकांत यहां पर नजर आ रहे हैं। रविकांत, जरा आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे बात कीजिए, किस तरीके से इन घड़ियों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और क्या भाव इस वक्त इन लोगों के मन में है, क्योंकि 24 साल तक लगातार नवीन पटनायक CM के तौर पर और अब शुरू होने जा रहा है BJP का राज। रविकांत, रोमाना, इस समय सैकड़ों लोग यहां पर सड़क पर हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अभी अभी यहां से गुजरा है। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लोग आए थे, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे आप लोगों से कि 24 साल से नवीन पटनायक यहां पर मुख्यमंत्री थे, अब जब जो बदलाव है उस बदलाव को आप लोग कैसे देख रहे हैं? बदलाव तो बहुत अच्छा है, लोग बहुत यहाँ पर खुश हैं क्योंकि ये बदलाव चाहिए था। हम लोग 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को आने के लिए, तो अभी मोदी जी आए, जय श्री राम। इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं भाई? मैं जगन्नाथपुरी धामपुरी से हूँ, संबित पत्र से हूँ। आप बताइए बदलाव को कैसे देख रहे हैं? बदलाव का मतलब है गणतंत्र। जो डेमोक्रेसी में बदलाव नहीं, वो 25 साल से शासन कर रहा था, इसीलिए जो बदलाव हुआ वो जनमत से बदलाव हुआ है। ये नवीन पटनायक के खिलाफ जनमत था या फिर कोई और बात थी जिसकी वजह से ये बदलाव हुआ? नहीं, बदलाव तो मतलब है, मतलब पांड्यन का बदलाव, जो अपने एग्नेस्ट था वो पांड्यन और नवीन पटना के विरुद्ध का ये मतदान है, इसीलिए 25 साल बाद के बाद बदलाव हो गया। पांड्यन बड़ा मुद्दा थे इसमें। पांड्यन जी जो काम किए हैं यहाँ उड़ीसा से, अच्छा काम नहीं किए हैं, लेकिन जब जनसाधारण जो चाहते हैं वो काम नहीं किए हैं, और जो लोग आने हो 1,000 रुपया 2,000 रुपया लाच दे करो, वो मुनाफा दे करो ले आए, तो मीटिंग का शो करना है नवीन पटनायक को। क्या ये कहा जा सकता है कि नवीन पटनायक के खिलाफ मैंडेट कम था, वोट कम था जी, जो पांड्यन थे उनके खिलाफ ज्यादा था? नहीं, पांड्यन का खिलाफ ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, वो बीजू पटनायक लड़का है, लेकिन खुश है आप लोग? खुश है, वो हमारा नेता है। तो दोबारा आपके पास, तो ये लोगों का उत्साह जो रविकांत दिखा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से आम जन जो हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो ये नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं नवीन पटनायक से ज्यादा वो BK पांड्यन के लिए, जिनको लेकर चुनाव के दौरान ये बात बार बार दोहराई गई कि वही नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी होंगे, और जो उड़िया अस्मिता है उसका जिक्र यहां पर बार बार किया गया। और इस बीच ये मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां इस समय शपथ ग्रहण की शुरुआत होने वाली है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो अति विशिष्ट मेहमान हैं वो सब मंच पर नजर आ रहे हैं। माननीय राज्यपाल ओडिशा के रघुवर दास को आप मंच पर देख रहे हैं, आप मोहन चरण मांझी को देख रहे हैं जिन्हें शपथ लेनी है, और वहीं दूसरी तरफ वो तमाम खास मेहमान, और मंच के दूसरे हिस्से में वो मंत्री जिन्हें आज शपथ लेनी है। हामिद हुसैन साहब का रुख करते हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हामिद साहब, आप भी सुन रहे होंगे जो आम जन हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब नाराजगी थी, और नाराजगी नवीन पटनायक से ज्यादा पांड्यन को लेकर थी, लेकिन ये नाराजगी जो है वो BJP के हक में गई सर, कांग्रेस कुछ कमाल नहीं कर पाई। आकलन किया आप लोगों ने, कहां चूक हो गई कांग्रेस से? हामिद साहब, आवाज नहीं आ रही है आपकी, कुछ दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। और इस बीच ये जो शपथ ग्रहण समारोह की औपचारिक शुरुआत हो रही है, मुझे लगता है जरा आवाज देनी चाहिए, सुनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पाठक परिवार निमंत्रित है। श्रीमान निर्वाचित मुख्यमंत्री निजुक्ति आदेश पाठ करने निमित्त मुझे अनुमति कामना करुच्छी।
श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नामरे शपथ करूअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबि, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबि, ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतरकरण रे निर्वाह करिबि एवं बिना भय बा पक्षपात रे बिना अनुराग बा देश रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्याय प्रदान करिबि। मु श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नामरे शपथ करूअछि जे जेउ विषय राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजीव बा मते ज्ञात हब ताहाकु एपरी मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानंकु जणाइबि नाही बा प्रकट करिबि नाही। धन्यवाद। तो शपथ ले ली है मोहन चरण माझी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तौर पर उड़िया भाषा में, अपनी भाषा में उन्होंने शपथ ली है और ये इतिहास इस रूप में रचा जा रहा है कि पहली बार बीजेपी की सरकार उड़ीसा में। इसी तरीके से लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को जबरदस्त जीत यहां उड़ीसा से मिली। 21 में से 20 सीटें बीजेपी ने हासिल की। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अभय सर का मैं रुख करती हूं। अभय जी, 24 चुनाव में सबसे ज्यादा मजबूती के साथ बीजेपी जिस राज्य में उभरी वो उड़ीसा ही है, और न सिर्फ 24 चुनाव बल्कि देखिए किस तरीके से राज्य में भी पहली बार कमल सरकार बनने जा रही है, बल्कि बन गई है, शपथ ले ली है मोहन चरण माझी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई दे रहे हैं, गुलदस्ता भेंट उन्हें कर रहे हैं, इसकी वजह आप क्या आंकते हैं अभय जी? क्योंकि इसकी वजह मेरे निगाह में तो बिल्कुल सीधी है, बीजू जनता दल एक क्षेत्रीय शक्ति, श्रीमान क्षेत्रीय शक्ति निर्वाचित उड़ीसा की अस्था, उड़िया भाषा विश्वास करने वाले को उभार देते, और इसलिए बार बार जो नवीन पटनायक के पिता थे बीजू पटनायक, उनकी पूरे उड़िया के अंदर एक असाधारण छवि है। उनको आज भी जब चुनाव वो हार गए हैं तब भी लोग उनको सम्मान के साथ, मेरा चुनाव हार गया है ईश्वरंक नारे शपथ करूछी जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्धा अंतकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय व पक्षपात रे बिना अनुराग व द्वेष रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। मु कनकवर्धन सिंह देव ईश्वरंक नारे शपथ करूछी जे जो विषय राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजीव बा मते ज्ञात हेब ताहाकु इपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्भय निमित्त जेपरि आवश्यक हेबो प्रत्यक्ष व परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकु जनेबि नाही बा प्रकट करिबि नाही। तो डिप्टी सीएम बनाए गए केवी सिंह देव, उन्होंने भी शपथ ले ली है और एक नहीं बल्कि दो डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं इस सरकार में। केवी सिंह देव जो हैं वो एक अनुभवी चेहरा इस सरकार में, 6 बार के वो विधायक हैं। अच्छा, इससे पहले जब बीजेपी और बीजेडी की संयुक्त सरकार थी तब मंत्री के तौर पर भी प्रदेश में वो जिम्मेदारी निभा चुके हैं, और उनकी जो पत्नी है वो बुलंगीर से सांसद हैं।
तो पति पत्नी दोनों राजनीति में और अनुभवी चेहरा डिप्टी सीएम के तौर पर, हालांकि नाम इनका भी बेस पे बना हुआ था सीएम के, और अब जो दूसरी डिप्टी सीएम महिला चेहरा पहली बार चुनकर आई है विधानसभा में, श्रीमती प्रभाती परिडा, ईश्वर नाम शपथ करूछी जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखी, भारतर सार्वभौम्यता और अखंडता रक्षा करी, ओडिशा राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करी एवं बिना भय बा पक्षपात रे बिना अनुराग बा द्वेष रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करी। श्रीमती प्रभाती परिडा ईश्वरंक नाम रे शपथ करूछी जे जेऊं विषय राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजीव बा मोते ज्ञात हेब ताहाकू एपरी उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हेब तत्भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानंकु जणाइबि नाही बा प्रकट करिबि नाही। तो प्रभाती परिडा इन्होंने भी शपथ ले ली है, दो डिप्टी सीएम बीजेपी की इस सरकार में, जिसमें एक केवी सिंह देव और दूसरी प्रभाती परिडा, और अब जो सुरेश पुजारी मंत्री हैं वो उनकी शपथ लेने का सिलसिला यहां पर जारी रहेगा। मैं एक बार फिर से जरा रुक करती हूं, अभय सर हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी, वो आपकी बात बीच में रह गई थी सर, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। ये इतनी मजबूती इस बार के चुनाव में ओडिशा में बीजेपी को क्यों मिली? देखिए, कांग्रेस ने जो राजनीतिक स्पेस उड़ीसा में खाली किया था उसे भारतीय जनता पार्टी ने भरा, और कांग्रेस उस स्पेस को दोबारा नहीं प्राप्त कर पाई। उसने कोशिशें कुछ जरूर की जिनके बारे में हम लोग कभी मौका मिलने में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस उसमें पूरी तरह नाकाम रही। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, हालांकि उसमें बहुमत नवीन पटनायक को प्राप्त हुआ था। तो मुझे लगता यह है कि इससे पहले उड़ीसा में एक तरह से पिछले चुनाव को देखने से लगता है कि स्प्लिट वोट की परिघटना जो देश के दूसरे अन्य प्रांतों में चल रही थी वो उड़ीसा में दिखाई दी। इस बार स्प्लिट वोट समाप्त हो गया है और कुछ जगहों से भी स्प्लिट वोट समाप्त हुआ है, आंध्र प्रदेश से भी स्प्लिट वोट समाप्त हुआ है, यहां से भी स्प्लिट वोट समाप्त हुआ है। तो ये एक उड़ीसा के इतिहास में एक बिल्कुल नया अध्याय है। एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने एक क्षेत्रीय पार्टी को पराजित करके, आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है, राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों से उनके इलाकों में चुनाव हार जाती है, एक राष्ट्रीय पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टी को पराजित किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती यह है कि स्थानीय स्तर पर अपने नेतृत्व को कैसे विकसित करें। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास नवीन पटनायक के मुकाबले का ऐसा कोई चमकदार चेहरा और नेतृत्व नहीं है। अब वो लोग सरकार चलाएंगे तो अपना नेतृत्व भी विकसित करेंगे, जिस तरह से उन्होंने उप प्रधानमंत्री चुने हैं और जिस तरह उप मुख्यमंत्री चुने हैं और जिस तरह मुख्यमंत्री चुना है, उससे लगता है कि वो उड़ीसा के समाज के जो सभी पहलू हैं, जो उड़ीसा में शायद 23-24% आदिवासी होंगे, उन्होंने एक आदिवासी को चुनाया था कि आदिवासियों में उनकी पैठ मजबूत और अच्छी हो सके। लेकिन उड़ीसा का जो दूसरा समाज है, जो गैर आदिवासी समाज है, उसके ऊपर भी उनका ध्यान है, वहां भी वो अपना नेतृत्व विकसित बिल्कुल वो नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि अगर सीएम वो आदिवासी समाज से लेकर आ रहे हैं तो फिर दो डिप्टी सीएम जो हैं वो ओबीसी और जो अपर कास्ट है उसका पूरा ख्याल रखा गया है, और इसी तरीके से मंत्रिमंडल के जो बाकी चेहरे होंगे उनके जरिए भी कहीं ना कहीं ओडिशा के हर क्षेत्र और हर समुदाय को प्रतिनिधित्व देना, सत्ता में हिस्सेदारी देना, उसकी कोशिश यहां पर नजर आएगी। इस बीच एक बार फिर से जरा बात करने की कोशिश करते हैं, हामिद हुसैन साहब, मेरी आवाज मिल रही है क्या सर आपको? ये मौका अगर ढलान पर थी एक क्षेत्रीय पार्टी तो राष्ट्रीय दलों के पास था उसकी वो जो जगह थी उसको भरने का, यहां बीजेपी बाजी मार गई कांग्रेस के मुकाबले, कांग्रेस कहां चूक गई सर? देखिए, जैसे मैंने आपने दिखाया, आपने रिपोर्ट दिखाई, कोई बोल रहा था, कोई बीजेपी कार्यकर्ता बता रहा था, जिसका अंतिम कमिश्नर फैक्टर था और पांड्यन और नवीन सरकार के विरुद्ध जो है हवा चल रही थी, जिसका फायदा उनको बीजेपी को भी, बीजेपी को इसलिए मिले कि बीजेपी नंबर दो पार्टी थी। और तीसरी बात यह है, जो दूसरी बात यह है कि यहाँ असेंबली इलेक्शन एंड पार्लियामेंट इलेक्शन दोनों एक साथ हुआ, जरा जब दोनों एक साथ नहीं होता, पार्लियामेंट इलेक्शन अलग होता और असेंबली इलेक्शन होता तो बात अलग थी, क्योंकि असेंबली इलेक्शन का जो अंतिम कमिश्नर फैक्टर था उसका फायदा बीजेपी को मिला। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस जिस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, जिस तरह फंड्स की जरूरत थी, वो फंड्स की कमी रही हमारे पास,
और चौथा ये बीजेपी बीजेडी जो एक बार टैसिट अंडरस्टैंडिंग हुई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बीजेपी को कुछ चीजें चाहिए थे। ये लोग अमित शाह के पास, बॉबी दास और पांडियन करीब चार तीन चार बार गए, वहां बैठे उनके साथ, उन्होंने कहा कि हमें 15-16 सीटें चाहिए हमको किसी न किसी तरह से बीजेपी को, नहीं तो हमारे सरकार सेंटर में नहीं बन रही, तो आप हमारी मदद कीजिए। और ये क्योंकि सीबीआई केसेस में फंसे हुए हैं इस वजह से उन्होंने मदद की, और बहुत कमजोर कैंडिडेट्स जो भी है जिसके मुकाबले में बीजेपी के जो है, बीजेपी ने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड किया, सबसे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स जो है पुराने कैंडिडेट्स हैं, काफी मजबूत कैंडिडेट्स हैं, उनको दिया, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी का वोट शेयर 4.8% घटा। नहीं नहीं, आपने तो ये वाली दलीलें देकर तो आपने बीजेपी की जो जीत की चमक है उसी को फीका कर दिया। मतलब एक तरीके से जो आप कह रहे हैं कि साहब ये फिक्स मैच खेला है, इस पर तो हमें रिएक्शन लेना होगा। प्रेम शुक्ला जी ये तो बड़ा आरोप लगा दिया, इन्होंने कहा ये तो फिक्स मैच खेल रहे थे जी, उन्होंने कमजोर इतने अपने कैंडिडेट्स उतारे कि बीजेपी को उन्होंने जीत जो है वो थाली में परोस कर दे दी। सर कौन सी थाली थी? सर सोने की चांदी की, बताइए जरा हामिद साहब को। रोमाना जी, अगर बीजेपी ने कमजोर कैंडिडेट होता तो फायदा कांग्रेस को क्यों नहीं हुआ? भाई बीजेडी भी सेकुलर पार्टी थी, कांग्रेस भी सेकुलर पार्टी थी। अगर जो है जो तथा कथित सेकुलर, अब आराम से हामिद जी, मेरे से प्रश्न है, हामिद जी आराम से नहीं नहीं सर, मुझे लगता है जी लगता है सुन नहीं रहे हैं जी, उनको आवाज नहीं मिल रही है, वैसे भी बहुत दिक्कत आ रही है उनके। हाँ उनका, आप अपनी बात रखिए प्लीज, उनको आवाज नहीं जा रही। हाँ इसलिए लगातार बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है, जो हामिद जी का तर्क है, हामिद जी के तर्क के अनुसार अगर बीजू जनता दल ने कमजोर प्रत्याशी उतारे और भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल में मुकाबला था तो बीजू जनता दल के कमजोर प्रत्याशियों का लाभ तो कांग्रेस को होना चाहिए था, वो लाभ कांग्रेस को क्यों नहीं हुआ? ये इस बात को समझें कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उड़ीसा की जनता ने जनादेश देना निश्चित किया था, आप देखिए लोकसभा चुनाव में 21 में से 20 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, उस तुलना में विधानसभा की सीटें कम है भाई, 21 में से 20 सीटें अगर मिलती हैं तो विधानसभा में हमको 76 सीटें मिल रही हैं। ये इस बात का संकेत है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर ओडिशा की जनता का जबरदस्त विश्वास है और डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए उसने केंद्र में जबरदस्त जनादेश आदरणीय मोदी जी के पक्ष में दिया। ठीक है, और मोदी जी जिसका चयन करें ठीक है, वह व्यक्ति जो है ओडिशा का मुख्यमंत्री बने, इस तरह का एक जनादेश ओडिशा की जनता ने दिया। बिल्कुल, राकेश शुक्ला जी आपका आंकलन। देखिए मुझे तो एक बात बड़ी चौंकाती है हामिद साहब की, कि उन्होंने कहा कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ इसकी वजह से कांग्रेस हारी, तो जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही है, यदि एक साथ हुआ तो कांग्रेस को ये कहाँ ले जाएंगे? बड़ा हास्यास्पद बात है। रही बात इस चुनाव की और इस नतीजे की, तो मुझे लगता है कि एक थ्योरी और एक धारणा थी कि बीजेडी की उंगली छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाएगी। 2012 में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ संघर्ष शुरू किया, 2017 के पंचायत चुनाव में बीजेडी के बराबर पंचायत चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हैसियत का एहसास कराया, और उसके बाद जो पिछला चुनाव हुआ 2019 का लोकसभा चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़ी और 2024 में यानी 12 साल के संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा के सत्ता पे अपना कब्जा स्थापित किया। अब यदि हम बात करें कि मोहन चरण मांझी ही क्यों, तो मोहन चरण मांझी जी को बनाने के पीछे जो मेरा अपना आकलन ये है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन तीनों जगह के आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में झारखंड की जो भी आदिवासी सीटें हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। तो इसलिए देखिए सारा समीकरण, सारा फोकस जो ये है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय आदिवासी चेहरा और उड़ीसा में मोहन मांझी जी आदिवासी चेहरा, बीच में पड़ता है आपका झारखंड, तो ये संदेश जाएगा कि आदिवासी समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील है। और इसीलिए ये जरूरी क्यों है संदेश जाना, एक आंकड़ा में निकाल कर लेकर आई हूँ, उसके बाद चलेंगे हम बाकी मेहमानों के पास भी, कि अभी इसी साल के अंत में वो दो राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, आप जानते हैं, एक झारखंड है, दूसरा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभा सीटें और इनमें से जो एसटी आदिवासी रिजर्व जो सीट्स हैं वो 25 हैं, और इसी तरीके से झारखंड वो भी आदिवासी बहुल राज्य है, और यहां 81 विधानसभा सीटों में से झारखंड में 81 सीट्स में से 28 रिजर्व सीट्स हैं। लेकिन अभय सर, पहले मैं आपके पास आ रही हूं,
2024 में आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो हमें 2014 में 10 साल पीछे मुड़कर अगर देखें तो वहां पर हमें प्रयोग नजर आते हैं बीजेपी की तरफ से, जिसमें से एक वो रघुवर दास जी भी जो फिलहाल यहां ओडिशा में राज्यपाल के तौर पर नजर आ रहे हैं, कि जब झारखंड में बीजेपी ने सत्ता हासिल की तो एक आदिवासी बहुल राज्य में 10 साल पहले बीजेपी ने प्रयोग किया, गैर आदिवासी को राज्य में कमान दी, हरियाणा में गैर जाट को बीजेपी ने कमान दी, इसी तरीके से महाराष्ट्र में गैर मराठा को बीजेपी ने आगे रखा। लेकिन अब 10 साल बाद जहां पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसी को सम्मान देने के लिए ओडिशा में, क्या आपको लगता है कि सीएम के तौर पर एक आदिवासी की ताजपोशी बीजेपी कर रही है और नजर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव पर है? अभय जी, देखिए नुमाइंदगी का, लोकतंत्र में नुमाइंदगी का जो उसूल है वो कई तरीके से अपने आप को व्यक्त करता है। कभी कभी लगता है कि आप जो आबादी का एक जिस तरह की आबादी है, एक वैसा ही चेहरा आप मुख्यमंत्री पद पर या बड़े पदों पर आप लेकर आते हैं और इस उम्मीद में यहाँ आपका एक मजबूत आधार बनेगा। लेकिन जिन क्षेत्रों के अंदर पहले से आपके पास आधार मजबूत होता है, आप सोचते हैं वहां पहले से हमारा आधार मजबूत है, तो वहां पर आप, हो सकता है कि आप दूसरे किस्म के प्रयोग करें। ठीक है, हर प्रदेश के लिए अलग अलग किस्म की रणनीति है। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में जब फडणवीस को बनाया गया मुख्यमंत्री तो वो एक ऐसा प्रयोग था जिसका शुरू में भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ हुआ। फडणवीस के बनाने से भाजपा को महाराष्ट्र में नुकसान नहीं हुआ, तो बाद में जब शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़ दिया मुख्यमंत्री पद पाने के लिए, उस वक्त से वो पूरा का पूरा समीकरण बिगड़ा और भाजपा के लिए दिक्कतें शुरू हुई जो अभी तक जारी हैं। लेकिन हर झारखंड में भी उसकी उम्मीद थी कि झारखंड में अगर वो गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब दिखाई पड़ रहा है भाजपा को कि अगर वो प्रभावित करना है तो उसके लिए आदिवासी चेहरा चाहिए, मराठों को अगर प्रभावित करना है तो संभावित रूप से उसके लिए एक मराठा चेहरा चाहिए। तो इस तरह परिस्थिति के मुताबिक रणनीति बदलती रहती है। ठीक है सर, तो ये परिस्थिति के मुताबिक रणनीति बदल रही है, मतलब लाभ लेने के लिए बीजेपी ये रणनीति बदल रही है, इस पर आगे जवाब लेंगे हम प्रेम शुक्ला जी से। ओडिशा को नई सरकार मिल गई है, पहली बार ओडिशा में बीजेपी की सरकार बन गई है, हम सीधे रुख करेंगे, सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेम शुक्ला जी का रुख करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये 2014 के मुकाबले 2024 बीजेपी की रणनीति में एक यू टर्न सा नजर आता है, आप इसे किस तरीके से बयां करेंगे सर, इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, यू टर्न नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का जो मूल मंत्र है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उस मूल मंत्र के अनुकूल जो है निर्णय लेती है। जनजाति समाज के लोगों को, जैसे देखिए आप जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, जनजाति समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, विष्णुदेव साय को जनजाति समाज के उनको मुख्यमंत्री बनाया गया इसी ओडिशा में। सर उससे पहले छत्तीसगढ़ में 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी, तब रमन सिंह वहां पर सीएम थे, तब बीजेपी ने वहां पर किसी आदिवासी को सीएम नहीं बनाया, हमने न्याय दिया ना। और सर झारखंड में तो आप लोगों ने नया चलन ही शुरू किया, वो राज्य जहां हर बार आदिवासी मुख्यमंत्री रहा, आप लोगों ने तो नया प्रयोग किया झारखंड में, वहां आपने गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो मेरे सबका साथ सबका विकास कर रहे ना, बाबूलाल मरांडी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, बाद में गैर आदिवासी को भी बनाया हमने, वहाँ पर पहले जो है अगड़े समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, आदिवासी को बनाया, तो हम सबका साथ सबका विकास करते, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, जो आप मेरी बात पूछ रही प्रश्न यही मेरा उत्तर भी है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। आज आप बताइए ओडिशा में आज तक इतने दिनों तक 23% आदिवासी हैं, आपने आप ही का आंकड़ा है, लेकिन आज दिन तक उन 23% आदिवासियों को मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, बीजू जनता दल भी नहीं कर पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गिरधर गवांग, तो ये भारतीय जनता पार्टी सर गिरधर गवांग तो मेरे ख्याल से आदिवासी मुख्यमंत्री थे, गिरधर गवांग आदिवासी समाज के थे, हाँ बहुत बहुत छोटे काल के लिए थे, डेढ़ साल दो साल नहीं कुछ दिनों के लिए तो बनाया, पर सर कांग्रेस ने आप कह रहे ना दिया नहीं तो दिया तो ना, मतलब ठीक है हाँ। नहीं ठीक है, मैं उस भूल सुधार कर लेता हूँ, कोई नहीं भूल सुधार कर लेता हूँ, लेकिन जेबी पटनायक मतलब ज्यादातर समय जो है उसमें उनके ज्यादातर कालकाल में जानकी वल्लभ पटनायक पर जो है बलात्कार का आरोप लगने के बाद भी वही उनके मुख्यमंत्री रहते थे,
गिरिधर गबन बहुत छोटे से काल के लिए रहे, ठीक है, जानकी बल्लभ पटनायक पर अपने कार्यालय में, ठीक है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से बलात्कार का आरोप लगा था, ओके, लेकिन वो बलात्कार ही पसंद था, जनजाति समाज का व्यक्ति नहीं पसंद था, ये भी एक सच्चाई है। ठीक है सर, ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं, अभय जी कुछ बताना चाह रहे हैं, आइए सर। देखिए मेरा निवेदन यह है कि इस बात को हम एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा और विधानसभा दोनों क्षेत्रों में प्रविष्टि उड़ीसा की राजनीति में मजबूती से हो गई है। अब भाजपा के सामने समस्या यह है कि उसे एक वोट के स्तर पर एक स्टार्टिंग कैपिटल चाहिए, एक शुरुआती ठोस पूंजी चाहिए। जैसे कर्नाटक में उनके पास एक लिंगायत एक ठोस पूंजी है, उत्तर प्रदेश में जो ऊंची जातियों का समुदाय, ऊंची जातियां हैं, वो उसकी एक ठोस पूंजी है भारतीय जनता पार्टी की। फिर उसमें और दूसरी पूंजियां छोटी छोटी और जोड़ के आप जीत का एक आंकड़ा बनाते हैं। तो उड़ीसा में एक ऐसी स्थायी पूंजी भाजपा को चाहिए, वो केवल आदिवासियों के बीच में ही मिल सकती है, क्योंकि गैर आदिवासियों के बीच में बीजू जनता दल का अभी भी खासा प्रभाव आपको मिलेगा। कांग्रेस की भी उसमें पॉकेट्स हैं, वहां पर वहां भी कांग्रेस का भी प्रभाव है। आदिवासी क्षेत्र ऐसा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी, वहां पर कोशिश भाजपा की ये होगी, मेरा अंदाज अनुमान है, ये भाजपा की कोशिश होगी कि आदिवासी समाज का एक ठोस समुदाय लगभग स्थायी रूप से उसके साथ जुड़ जाए, ताकि हर बार जब वो चुनाव में उतरे तो हमेशा ही वो दो कदम आगे रहे दूसरों से, उनके पास 23% वोटों का समर्थन रहे। बिल्कुल, तो फिर तो हामिद हुसैन साहब, मतलब बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की, न सिर्फ सरकार बनाई बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी सत्ता बीजेपी के ही पास रहे, इसका भी इंतजाम कर लिया कांग्रेस बैरंग। बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता हूँ, इसलिए कि मैं बताया था आपको पहले कि असेंबली इलेक्शन पार्लियामेंट एक साथ होने की वजह से जो असेंबली इलेक्शन का रिएक्शन आपको पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन आज आप देखिएगा, दो चीजें मैं दिमाग करता हूँ। पहली बात कि इसमें करीब सात दिन करीब लग गए इनको एक चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करने के लिए, और अभी जयराम मिश्रा जो विरोधी दल के नेता है उन्होंने कहा, कुछ रिएक्शन दिया है, कहा कि वो खुश नहीं है। और देखिए ये मोहन माझी है, मोहन माझी बिल्कुल अननोन व्यक्ति है, बिल्कुल मैं भी नहीं जानता था, ये एमएलए है जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये कभी मिनिस्टर में उनका एक्सपीरियंस नहीं। चार लोग हैं यहाँ पे, जैसे कि आप सुरेश पुजारी थे पहले पीसीसी के प्रेसिडेंट, मनमोहन साहब आपके जो केवी सिंह देव हैं जो मंत्री रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको उनको बना सकते थे, सिर्फ इसलिए उनको बनाया गया क्योंकि उनको डमी एक चीफ मिनिस्टर चाहिए। और दूसरी बात आप देखिए यहाँ इन्वॉल्व है आपका माइंस, बहुत सारा माइंस है, जहां से ये चीफ मिनिस्टर आते हैं वहां माइंस एरिया है के उधर, जहाँ की कंप्लीट लूट हो रहा है, कंप्लीट लूट बहुत चोरी हो रही है। और ये जो उड़ीसा है, ये झारखंड, ये छत्तीस ये तीनों में इतने सारे माइंस है, तो माइंस को किस तरह से लूट किया जाएगा और किस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया जाएगा, इसके प्रणाली की वजह से एक रबर स्टैम्प रखा गया है। ये तो बड़े आरोप आपने लगा दिए सर, यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि साहब हम तो आदिवासियों को सम्मान और उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए उन्होंने नाम आगे बढ़ाया मोहन चरण मांझी का, आप अलंगी एंगल लेकर आ गए हैं। सुना आपने प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं कि साहब ये जिस एरिया से आते हैं वहां पर माइंस बहुत ज्यादा हैं और मुख्यमंत्री ऐसा इसलिए चुना है ताकि वो केंद्र के रबर स्टैंप के तौर पर काम आए। प्रेम शुक्ला जी प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं, उनके यहाँ आदिवासी हमेशा रबर स्टैंप होते होंगे, श्रीमती सोनिया गांधी जो हैं वो माफिया स्टाइल में काम करने की उनकी आदत रही है, चूंकि जो है वो प्रधानमंत्री को भी रबर स्टैम्प समझती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री कार्यालय की सारी फाइलें पुलोक चटर्जी लेकर जो है उनको जो एक असंवैधानिक एक व्यवस्था बनाई गई थी, उस असंवैधानिक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन के नाते उनके यहाँ वो फाइलें ले जाया करते थे। तो जो लोग प्रधानमंत्री को रबर स्टैम्प बना लें उनको भी लगता है कि हर कोई दल इसी तरह काम करता है। भारतीय जनता पार्टी संविधान का आदर करते हुए मुख्यमंत्री पद पर जब मोहन चरण मांझी जी को विराजमान कराया गया है तो मोहन चरण मांझी जी मुख्यमंत्री के रूप में सारे निर्णय लेंगे। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह बिचारे की तो ये दशा होती थी, ऐसे तमाम वीडियो और फोटोज हैं जब कोई राष्ट्राध्यक्ष भी आता था किसी और देश का तो हाथ मिलाने के लिए बेचारे सकुचाते थे, कहीं प्रचार में भी जाने से सकुचाते थे। तो एक तरफ जो है इनकी व्यवस्था रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विद्वान व्यक्ति को भी, और स्वयं उनके जो है जो मीडिया एडवाइजर थे डॉक्टर संजय बारू, उन्होंने पुस्तक लिखकर इसका उल्लेख किया है कि कैसे प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल थे और उस एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री से
किस तरह से काम कराए जाते हैं। मतलब जो कांग्रेस खुद करती है या करती आई है वैसी सोच वो बीजेपी पर नाक खोपे। ठीक है हामिद हुसैन साहब, आपने सुन लिया ना, मतलब जो आपके यहाँ हुआ है आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस वाला कल्चर बीजेपी में है। बीजेपी ने जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है। और अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो कहते हैं ना एक तीर दो निशाने, बल्कि यहाँ क्या मोहन चरण मांझी के जरिए एक तीर और कई निशाने वाला मामला बीजेपी साधती हुई नजर आ रही है। इस सवाल की आगे पड़ताल करेंगे। ओडिशा में बीजेपी सरकार बन गई है, ओडिशा को आदिवासी सीएम मिल गया है। हम चर्चा कर रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, राकेश शुक्ला जी का रुख करेंगे। राकेश जी, ओडिशा को आदिवासी सीएम, ये बात ओडिशा तक सीमित या फिर ये संदेश जो अन्य राज्य हैं जहां आदिवासी हैं उन तक पहुंचाने के लिए दिया गया है? अभी आपने एक बड़ा अच्छा प्रसंग उठाया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी राज्यों में गैर आदिवासी चीफ मिनिस्टर बनाने का प्रयोग किया था। हाँ। उस प्रयोग का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। 18 का विधानसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ बेहतर तरीके से नहीं आए। झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में भी आदिवासी वोट नहीं थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आदिवासी वोट ठीक तरीके से नहीं आए भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन 23 और 24 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपके उड़ीसा में आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जाहिर किया है। अब भाजपा के सामने सबसे बड़ा ये प्रयास होगा कि जिन आदिवासियों ने विश्वास किया है वो विश्वास कायम रहे। इसके लिए उन्होंने पहले विष्णुदेव साय जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, मोहन चरण मांझी जी को बनाया और झारखंड में बाबूलाल मरांडी जी का चेहरा आगे करके भाजपा चल रही है कि आदिवासी ये विश्वास रखें कि अब उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में अन्याय नहीं होगा। तो मतलब मरांडी, विष्णुदेव साय और अब मांझी साहब ओडिशा वाले, प्रेम शुक्ला जी, ये भूल सुधार है बीजेपी की? नहीं, मैंने कहा सबका साथ सबका विकास है। ये अब आप उसको किसी दृश्य से देख सकती है, भारतीय जनता पार्टी जो है सबको लेती है साथ, सबका विकास करती है, सबको साधती है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। ये भारतीय जनता पार्टी जिसने राष्ट्रपति पद पर जो है वो जनजातीय समाज और इसी ओडिशा राज्य की और जिस जिले से आती हैं उस जिले की पहली जनजातीय समाज की महिला थी जिन्होंने जो है विद्यालय का मुंह देखा था और उनको जो है राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने का काम भी किया। तो चुनावी दृष्टिकोण से तो था नहीं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो है पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाती है, उस पद तक इतना पढ़ा लिखा मुस्लिम व्यक्ति को ले जाती, जबकि यह सब जानते हैं कि मुस्लिम समाज का जो है मतदान करते समय पहली प्राथमिकता भाजपा नहीं होती है, कोरी समुदाय के, दलित समुदाय के पहले व्यक्ति, पहला दलित, क्योंकि MK नारायण साहब दलित नहीं थे, उन्होंने वो ईसाई हो चुके थे, कन्वर्ट हो चुके थे। पहले दलित रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति पद पर बैठाने काम जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी सारे समुदाय के लोगों के विकास के लिए, इस बार ही देखिए आप कि केंद्रीय मंत्रिमंडल पहली बार किसी बौद्ध समुदाय के व्यक्ति को अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। आज तक बौद्ध समुदाय के व्यक्ति को ये दायित्व सौंपा ही नहीं गया था। तो भारतीय जनता पार्टी बौद्ध, सिख, ईसाई, सब सारे पारसी, सारे समाज के लोगों को विविध समय पर उनको जो है अपने मंत्रिमंडल में भी समाहित करती है, उनको अवसर भी देती है, उनके विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी प्रकट करती है। यही जो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सर विरोधी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, लेकिन ये बीजेपी जो मुसलमानों को अछूत मानती है इसका भी सवाल उठाया जा रहा है। मतलब आपने, क्योंकि यहाँ पर बहुत समुदाय के नाम दिया आपने, आपने रवनीत सिंह बिट्टू का भी नाम आप ले सकते हैं। मंत्रिमंडल की बात कर रही हूँ सर, मंत्रिमंडल की आपने बात की ना, रवनीत सिंह बिट्टू का भी आप जिक्र कर सकते हैं कि किसी सदन के वो सदस्य नहीं है। नहीं, रवनीत सिंह बिट्टू इसलिए सर क्योंकि वो किसी सदन के सदस्य नहीं है सर। इसी तरीके से जॉर्ज कुरियन साहब किसी सदन के फिलहाल सदस्य नहीं है, लेकिन उन्होंने मंत्रिमंडल में शपथ ली है सर, मंत्री परिषद में शपथ ली है। जी हाँ, तो हमने तो बताया ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति बनाया, अगर हम मुस्लिम विरोधी होते तो कैसे बनाते? मुख्तार अब्बास नकवी पिछले मंत्रिमंडल में मंत्री थे, अभी भी गुलाम जो पहली बार बकरवाल समुदाय का व्यक्ति राज्यसभा में लाना, नामित करके बकरवाल समुदाय को कभी छुआ ही नहीं गया। ठीक है सर, अबे तो समुदाय के कहना चाह रहे हैं उन्हीं के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को जो है वो। अबे जी जल्दी से सर, उड़ीसा के विधानसभा चुनाव के तथ्यों पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। जी, उड़ीसा में बीजू जनता दल को 40.22% वोट मिला है विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी को 40.07% 0.7% वोट मिला है। यानी भाजपा का वोट
बीजू जनता दल के मुकाबले बहुत थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा को उनसे 20-22-25 सीटें शायद ज्यादा मिली हैं उनको वहां पर, तो भाजपा को इसका सीधा मतलब है कि बीजू जनता दल और भाजपा के बीच में विधानसभा के स्तर पर कोई बहुत कोई खास फासला नहीं है। जो जो बहुत सी सीटें भाजपा ने बहुत कम अंतराल से जीती है, आपने जो दो उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, मेरे ख्याल उन दो उप मुख्यमंत्रियों को भी देखे हुआ, वो भी बहुत कम अंतराल से जीते हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए उड़ीसा की जीत जीत गए हैं जरूर, वो उसके लिए उन्हें बधाई, लेकिन बहुत वो सुनिश्चित नहीं हुई है जीत उनको, अभी वहां अपना कदम जमाने में काफी संघर्ष करना पड़ेगा। और बीजू जनता दल के खिलाफ इस पर नाराजगी है, उकताहट है, बोरियत है, उनके लंबे अरसे शासन में थे तो वो कभी भी अपनी वापसी कर सकते हैं। कांग्रेस बहुत पीछे है, कांग्रेस को केवल 13% सबसे बड़े लूजर के तौर पर ओडिशा में नजर आती है। और भले ही आप वोट प्रतिशत के मामले में बताएं किस तरीके से मामूली अंतर, लेकिन हकीकत यही है कि ओडिशा में बीजेपी को जीत मिली है, आदिवासी नेता को बीजेपी ने वहां ताज पहनाया है, इससे देश को बड़ा संदेश दिया है। और रही लोकसभा की बात तो उसमें तो 21 में से 20 सीटें ओडिशा ने बीजेपी की झोली में डाली है।